स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स कुलहाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो स्टूडेंट्स, आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी 6 सैम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी यूनिट 2 के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है मेन फीचर्स ऑफ अल्कली स्पेक्ट्रा, जो कि मिनिमम 6 मार्क्स में और मैक्सिमम 8 मार्क्स की कैटेगरी में ही पूछा जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है आपको किस फॉर्म में पूछा जा चुका है पिछले यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में, तो स्टूडेंट्स वो फॉर्म ये है, डिस्क्राइब ब्रीफली द साइलेंट फीचर्स ऑफ ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रा ऑफ अल्कली एलिमेंट्स विद द हेल्प ऑफ एनर्जी लेवल डायग्राम एंड एक्सप्लेन व्हाई ओनली प्रिंसिपल सीरीज इज ऑब्जर्व इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड व्हाइल ऑल द अदर फोर सीरीज आर ऑब्जर्व इन एमिशन स्पेक्ट्रम। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है आपको पीछे पूछा जा चुका है, और एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम होने वाले हैं अभी कुछ टाइम के बाद, उसमें भी इसी प्रकार से ही पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अल्कली एलिमेंट्स कौन से होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अल्कली एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। एलिमेंट्स विच कंटेन ओनली वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल आर कॉल्ड अल्कली एलिमेंट्स। अल्कली एलिमेंट्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हर्लिना की रफ्से फरियाद जो आपकी सीरीज होती है वो पूरी की पूरी अल्कली एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। तो हम सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल लेंगे सोडियम का, क्योंकि उसका जो एनर्जी लेवल डायग्राम है वो एक्सप्लेन करना ईजी होता है। तो हम सोडियम का ही एग्जाम्पल लेके चलेंगे इस टॉपिक के अंदर। अल्कली एलिमेंट है ये, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखें वो होती है 1s2, 2s2, 2p6 और साथ में आता है आपका 3s1। मींस कि इसके आउटर मोस्ट सबशेल में 3s सबशेल में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, और बाकी की अंदर वाली जो सबशेल्स होती हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड होती हैं, क्योंकि एस सबशेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एस सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, ये भी पूरी भरी हुई है। पी सबशेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे हाइड्रोजन के बाद सबसे सिंपलेस्ट स्पेक्ट्रा जो होता है वो अल्कली एलिमेंट्स का होता है। और जब हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की स्टडी की थी तो वहां पर हमें मेनली 5 सीरीज ऑफ लाइंस देखने को मिली थी, लाइमन, पाशन, पफन, ब्रैकेट, इस प्रकार से 5 सीरीज जो है आपको वो देखने को मिली थी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। तो आज हम देखेंगे कि सोडियम स्पेक्ट्रा के अंदर हमें कितनी सीरीज देखने को मिलेंगी और कैसे इसका हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे और कौन कौन से सिलेक्शन रूल जो है वो फॉलो होंगे एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करते समय। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अगर आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो आप स्टार्टिंग की थ्योरी में क्या लिख के आएंगे, आइए वो देख लेते हैं। द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन कंसिस्ट ऑफ लाइमन, बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट एंड पफन सीरीज। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में हमें 5 सीरीज की लाइंस देखने को मिलती हैं। पहली होती है लाइमन सीरीज, दूसरी होती है बाल्मर, तीसरी पाशन, चौथी ब्रैकेट और पांचवी होती है पफन। इन सभी सीरीज ऑफ लाइंस को एक कॉमन फॉर्मूले से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम बाल्मर फॉर्मूला बोलते हैं, एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द एक्सप्रेशन न्यू बार इज इक्वल टू आर ब्रैकेट स्टार्ट 1/n1² माइनस 1/n2², जहां पर r जो है वो रिडबर्ग कांस्टेंट है, n1 जो है n1 एंड n2 दोनों के दोनों जो है यहाँ पर इंटीजर्स हैं, और न्यू बार को हम बोलते हैं वेव नंबर। देखिए स्टूडेंट्स, वेव नंबर का डायरेक्ट रिलेशन होता है एनर्जी के साथ, आइए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, एनर्जी होता है हमारे पास h𝛎, जो एनर्जी फोटोन की होती है h𝛎 होती है, और न्यू क्या होता है हमारे पास, न्यू होता है हमारे पास न्यू होता है हमारे पास c/λ। तो यहाँ से अगर आप एस सी को नीचे भेज देंगे तो e/sc इक्वल टू 1/λ बन जाएगा, और 1/λ को रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ को हम बोलते हैं वेव नंबर। सो आपका e/sc जो है वो वेव नंबर के बराबर होता है, मींस वेव नंबर जो होता है वो डायरेक्टली एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो स्टूडेंट्स, वेव नंबर की बात कर लो, एनर्जी की बात कर लो, एक ही बात है एक्चुअली। यहाँ पर न्यू बार जो है वो e/sc को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना, तो मैं यहां से इसको रब कर देता हूं।
तो स्टूडेंट्स आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन सीरीज कब देखने को मिलती है, जब कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सो ऑन हाईएस्ट लेवल से फर्स्ट लेवल में ट्रांजिशन करता है तो आपको लाइमन सीरीज मिलती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर। मींस लाइमन सीरीज के लिए जो N1 की वैल्यू होगी वो 1 होगी। N1 उस स्टेट के उस लेवल के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करके आता है। तो लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहां पर आएगा, फर्स्ट लेवल में आएगा, तो N1 की वैल्यू 1 होगी लाइमन सीरीज के लिए। और N2 की वैल्यू लाइमन सीरीज के लिए हो सकती है 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लेवल से फर्स्ट लेवल में आएगा तो आपको लाइमन सीरीज मिलेगी। इसी प्रकार से बाल्मर सीरीज के लिए जो N1 की वैल्यू होगी 2 होगी और N2 की वैल्यू हो सकती है 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ये चीजें आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट यूनिट के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं आगे क्या लिखेंगे आप। वेयर आर इज अ रिडबर्ग कॉन्स्टेंट एंड N1 एंड N2 आर इंटीजर्स। यहाँ पर आर रिडबर्ग कॉन्स्टेंट है और N1 N2 जो है वो इंटीजर्स होंगे। इन एडिशन टू हाइड्रोजन अदर एलिमेंट्स हैविंग द सिंपलेस्ट नोन स्पेक्ट्रा आर अल्कली मेटल्स। देखिए स्टूडेंट्स हाइड्रोजन के अलावा जो हमारे सिंपलेस्ट स्पेक्ट्रा देने वाले एलिमेंट्स की कैटेगरी में जो आते हैं वो होते हैं अल्कली मेटल्स या फिर अल्कली एलिमेंट्स। अल्कली एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिनकी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और साथ में कुछ कंप्लीटेड सबशेल्स भी होती हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू बताया था। ईच अल्कली एटम कंटेन्स वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एडिशन टू द कंप्लीटेड सबशेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट शेल में और अंदर वाली सबशेल जो होंगी वो सारी की सारी कंप्लीट होंगी। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं आगे क्या लिखेंगे। द स्पेक्ट्रा ऑफ सोडियम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग फोर सीरीज। हम यहाँ पर अल्कली स्पेक्ट्रा के एग्जाम्पल में हम सोडियम के स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि उसके स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करना सबसे आसान है। तो अभी नेक्स्ट सेक्शन में जब हम डायग्राम बनाएंगे सोडियम स्पेक्ट्रा का एनर्जी लेवल डायग्राम जब हम बनाएंगे तो वहां हम देखेंगे कि हमें चार प्रकार की सीरीज देखने को मिलेंगी। हाइड्रोजन में 5 मिल रही थी सीरीज और सोडियम के अंदर आपको 4-4 सीरीज देखने को मिलेंगी। वो चार सीरीज कौन कौन सी होंगी। पहली सीरीज होगी प्रिंसिपल सीरीज ऑफ ब्राइट एंड मोस्ट इंटेंस लाइन्स। पहली सीरीज होगी प्रिंसिपल सीरीज जिसमें जो हमें लाइन्स मिलेंगी वो सबसे ज्यादा ब्राइट होंगी और दूसरी सीरीज ऑफ लाइन्स से कंपेरिजन में ज्यादा इंटेंस होंगी। दूसरी सीरीज जो आपको देखने को मिलेगी वो होगी शार्प सीरीज ऑफ फाइन लाइन्स। आपको शार्प सीरीज के अंदर बहुत ही फाइन लाइंस देखने को मिलेंगी। थर्ड सीरीज जो मिलेगी आपको वो होगी डिफ्यूज सीरीज ऑफ कंपैरेटिवली ब्रॉडर लाइंस। आपको डिफ्यूज सीरीज में जो लाइंस मिलेंगी वो दूसरी सीरीज ऑफ लाइंस से कंपैरेटिवली थोड़ी सी ब्रॉडर होंगी, थोड़ी खुली खुली सी होंगी। फोर्थ सीरीज जो आपको मिलेगी वो होगी फंडामेंटल सीरीज इन द इंफ्रारेड रीजन। फंडामेंटल सीरीज जो है वो आपको इंफ्रारेड रीजन के अंदर देखने को मिलेगी। इन चारों सीरीज में से जो हमारे प्रिंसिपल सीरीज है वो एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा दोनों प्रकार के स्पेक्ट्रा शो करती है। बाकी जो तीनों सीरीज हैं शार्प डिफ्यूज फंडामेंटल ये सिर्फ एमिशन स्पेक्ट्रा ही शो करेंगी। वो ऐसा क्यों हो रहा है वो भी हम रीजन जानेंगे। तो स्टूडेंट्स इसके अगले सेक्शन में हम ड्रॉ करेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर सोडियम एटम। तो चलिए स्टूडेंट ड्रॉ करते हैं अब एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ सोडियम एटम। तो अब हेडिंग बनाएंगे एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ सोडियम एटम। तो स्टूडेंट्स आप दो लाइंस लगाएंगे, एक लाइन ऐसे लगाएंगे और एक लाइन ऐसे लगाएंगे और इस एक्सिस के ऊपर आप एनर्जी लिखेंगे, एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एनर्जी का जो आप स्केल शुरू करेंगे वो 0 से शुरू करेंगे और -6 तक लेके जाएंगे। 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6 मेक श्योर दैट आप ये सफिशियंट गैप लेंगे इनके बीच में। 0 और -1 के बीच में जितना गैप होगा उतना ही -1, -2 के बीच में गैप होगा। गैप आप यूनिफॉर्म रखेंगे और ये छोटे गैप नहीं लेंगे, आप थोड़े बड़े गैप लेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल्स। देखिए स्टूडेंट्स हाइड्रोजन के nth एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो इतनी होती है En = -13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सेकेंड एनर्जी लेवल में कितनी एनर्जी होगी, यहाँ पर n की वैल्यू 2 पुट करनी पड़ेगी। सो E2 = -13.6/4 वो आपको सॉल्व करके मिलेगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम सेकेंड लेवल से ड्रॉ करना शुरू करेंगे हाइड्रोजन एटम के एनर्जी लेवल्स। तो -3.4 के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर कौन सा पॉइंट मिलेगा आपको, -3.4, -3 और -4 के बीच में होगा और -3.4 जो है समथिंग यहाँ पर आएगा। तो इसके सामने आपको एक डॉटेड लाइन लगानी है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ सकें और इसका रट्टा लगाने की जरूरत पड़े आपको। -3.4 है ये और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर भी हमें एक लाइन लगानी पड़ेगी। ये रिप्रेजेंट कर रहा है n = 2 एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसी तरह से आप हाइड्रोजन के तीसरे एनर्जी लेवल की एनर्जी निकाल सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ n = 3 हियर। जब आप n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो आपको सॉल्व करके मिलेगा -13.6/3 का स्क्वायर मींस 9 जो कि होगा -1.5।
तो -1.5 का मार्क मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लगा दिया है। तो इसके सामने आपको n इक्वल टू 3 लेवल जो है वो प्लॉट करना है। पहले आप स्ट्रेट लाइन जो है सॉलिड बना लेना, उसके बाद इसको डॉटेड कर देना बीच में से, ऐसे आप एग्जाम में इरेजर की हेल्प से कर सकते हैं बड़ी इजिली। ये हो गया हमारा n इक्वल टू 3। अब n इक्वल टू 4 के लिए जब आप 4 पे यहाँ पुट करेंगे तो आपको E4 की जो वैल्यू मिलेगी वो -0.9 होगी। -0.9 का मैंने मार्क लगा रखा है, यहाँ पर होगा -0.9। तो आपको पहले एक सॉलिड लाइन ड्रॉ करनी है सीधी, उसके बाद आपको इसको डॉटेड बना देना है ताकि आपके एनर्जी लेवल जो है वो क्लियरली विजिबल होंगे अगर आप ये वाला मेथड अपनाएंगे। ये n इक्वल टू 4 के लिए हो गया। इसी तरह से n इक्वल टू 5 के लिए आपके पास जो एनर्जी आएगी लेवल की वो -0.5 होगी। -0.5 का मार्क मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लगा लिया है। गैप जो है वो कम होता रहता है एनर्जी लेवल्स में, हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम की खास बात होती है। तो ये n इक्वल टू 5 के लिए हमने बना लिया। आपको लास्ट बनाना है n इक्वल टू 6 के लिए, वो होगा हमारा -0.4। सॉल्व करके आएगा इसको -0.4 बिल्कुल जरा से ऊपर होगा। ये लाइंस जो आप स्केल से लगाएंगे इस बात का आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में टेढ़ी मेढ़ी लाइंस नहीं लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स n इक्वल टू 6 के लिए भी हमारा एनर्जी लेवल हो गया। n इक्वल टू 2 से लेकर आपने 6 तक ड्रॉ करने हैं, आपने इस चीज का ध्यान रखना है। तो हमारे पास हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल्स के लेवल जो है वो डॉटेड लाइन में तैयार हो चुके हैं। अब हम ड्रॉ करेंगे एनर्जी लेवल्स फॉर सोडियम एटम। तो स्टूडेंट्स हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल्स डॉटेड लाइन में ड्रॉ करने के बाद अब बारी है सोडियम के एनर्जी लेवल्स ड्रॉ करने की। देखिए स्टूडेंट्स सोडियम का जो सबसे आखिरी आउटर मोस्ट सबशेल होती है वो 3s होती है, तो हम 3s से शुरू करेंगे। 3s का कहाँ बनानी है आपको ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 3s जो आपको -1 से थोड़ा सा ऊपर बनानी है, यहाँ पर बनानी है आपको, ये आपकी 3s होगी। सोडियम के अंदर बहुत सारे हायर लेवल्स होते हैं, SPDF बहुत सारे होते हैं, तो 3s के बाद आएगा 4s, और 4s आपको कहाँ बनाना है इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जो 4s होगा सोडियम एटम का लेवल वो आपको n इक्वल टू 3 से जरा सा नीचे बनाना है। यहाँ पर ये यह आपका 4s होगा, यहाँ 3 है तो यहाँ 4 होगा, यहाँ 4 है तो यहाँ पर क्या होगा 5s होगा। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं इसको। और 6x आपका यहाँ पर होगा, इसी तरह से यहाँ पर 7s होगा, वो हम बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत है इतने लेवल्स। तो स्टूडेंट्स एस लेवल्स हमने ड्रॉ कर लिए और यहाँ पे लिख देते हैं हम एस, और ये जो लेवल्स हैं ये हाइड्रोजन के लिए, तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन भी लिख देते हैं हाइड्रोजन। अब हम ड्रॉ करेंगे पी लेवल्स, और पी लेवल्स कहाँ से हम बनाएंगे ये कैसे आप याद रखेंगे। एस लेवल्स बनाते समय हमने क्या चीज का ध्यान रखा था, अगर n इक्वल टू 3 है तो 4s हमने यहाँ बनाया था, अगर n इक्वल टू 4 है तो 5s हमने यहाँ बनाया था। तो हमें p लेवल्स ड्रॉ करने हैं, तो n इक्वल टू 2 है तो यहाँ पर हमने नीचे ड्रॉ किए थे डॉटेड लाइन से, यहाँ पर हम ऊपर ड्रॉ करेंगे। तो आपका 3p लेवल जो है वो यहाँ बनाएंगे आप डॉटेड लाइन से ऊपर, ये आपका 3p लेवल होगा। 4p जो है वो 3 से ऊपर बनाएंगे आप यहाँ पर, ये 4p होगा, ये आपका 5p होगा, और इससे अगला जो होगा यहाँ पर होगा आपका 6p। तो हमारा ये p लेवल्स भी ड्रॉ हो चुके हैं। उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे d लेवल्स। s लेवल्स जो हमने ड्रॉ किए थे वो डॉटेड लाइन से नीचे ड्रॉ किए थे, p लेवल्स जो हमने डॉटेड लाइन से ऊपर ड्रॉ किए थे, जो d लेवल्स होंगे वो डॉटेड लाइन से अगेन नीचे होंगे। तो हमने 3d लेवल ड्रॉ करना है, तो 3d लेवल n इक्वल टू 3 से जरा सा नीचे होगा यहाँ पर, इसी तरह से ये 4d होगा, ये 5d होगा, और यहाँ पर आपका 6d होगा। तो यहाँ पर आप लिख देंगे ये 3d है, इसके नीचे लिख सकते हैं आप 3d 4d 5d और ये आपका हो जाएगा 6d लेवल। तो यहाँ पर हमारे d लेवल्स भी कंप्लीट हो गए हैं। अब बारी है f लेवल्स को ड्रॉ करने की। तो स्टूडेंट्स f और d लेवल्स की एनर्जी जो है वो ऑलमोस्ट सेम होती है, इसलिए जो f लेवल्स ड्रॉ होंगे वो d लेवल्स के बिल्कुल पास पास ड्रॉ होंगे। तो ये हमारा होगा 4f, यहाँ पर 3f नहीं होगा, ये आपको ऐसे याद रखना है, ये 4f होगा, ये 5f होगा, और ये आपका 6f हो जाएगा यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स देखिए, स्टूडेंट्स अब एक बार और नजर मार लीजिए,
यहाँ पर 3S से शुरू करना है क्योंकि आउट प्रमोशनल 3S थी, उसके बाद आपको हाईएस्ट लेवल ड्रॉ करनी है 3S, 4S, 5S, 6S, जो आपका 4S था वो n इक्वल टू 3 के नीचे था, n इक्वल टू 4 के नीचे था आपका 5S और n इक्वल टू 5 के नीचे था 6S। 3S के बाद आपको जो हायर लेवल लेना है वो एक स्टेप ऊपर लेना है, तो जो P लेवल शुरू होगा वो यहाँ से शुरू होगा 3P, n इक्वल टू 2 से ऊपर लेना है आपको डॉटेड लाइन से ऊपर, ऐसे ही 4P यहाँ पर, 5P यहाँ पर, 6P यहाँ पर। उसके बाद आपको D लेवल अगेन डॉटेड लाइन से नीचे ड्रॉ करने हैं 3D, 4D, 5D, 6D, और F लेवल जो है वो 4F से शुरू करना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, 4F, 5F, 6F, इस तरह से आपको लेवल जो है वो ड्रॉ करने पड़ेंगे पहले बिफोर मेकिंग द ट्रांजिशंस बिटवीन दीस लेवल्स। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि इन लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन कैसे होगी। देखिए स्टूडेंट्स, ट्रांजिशन के लिए कुछ रूल्स फॉलो होने चाहिए जिनको हम सिलेक्शन रूल बोलते हैं। यहाँ पर दो सिलेक्शन रूल फॉलो होंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू में जो चेंज आएगा ट्रांजिशन के दौरान वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंटीग्रल वैल्यू हो सकती है, और जो हमारा ऑर्बिटल क्वांटम नंबर चेंज होना चाहिए, एल जो चेंज होना चाहिए ड्यूरिंग ट्रांजिशन, वो या तो +1 से चेंज होना चाहिए या -1 से चेंज होना चाहिए। तो ये दो सिलेक्शन रूल्स का ध्यान रखते हुए हम यहाँ पर ट्रांजिशंस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, पी के लिए जो एल की वैल्यू 1 होती है और एस के लिए जो हमारी एल की वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो अगर हम पी स्टेट से एस स्टेट में ट्रांजिशन करते हैं, 1 - 0 क्या होता है, 1 होता है +1, तो +1 वाली ट्रांजिशन जो है वो अलाउड होगी, जहां पर L की वैल्यू में +1 से चेंज आएगा वो ट्रांजिशन अलाउड होगी। तो स्टूडेंट्स यहां से ट्रांजिशन शुरू करेंगे, P जितने भी लेवल्स है P वाले, वहां पर हम S लेवल में ट्रांजिशन करेंगे, ट्रांजिशन हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ होगी, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो ये होगी हमारी पहली ट्रांजिशन, ये होगी हमारी दूसरी ट्रांजिशन, ये होगी हमारी चौथी, और ये होगी हमारी पांचवी। क्योंकि P लेवल के लिए L की वैल्यू 1 होती है, S के लिए L की वैल्यू 0 होती है, तो जब आप 1 में से 0 माइनस करेंगे तो +1 आएगा, तो ये सारी ट्रांजिशन जो है वो अलाउड होंगी, और इन ट्रांजिशन से आपको जो सीरीज मिलेगी उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल सीरीज। तो स्टूडेंट्स ये सारी लाइंस मिला के जो है वो प्रिंसिपल सीरीज फॉर्म करनी है, तो मैं इसको डॉटेड लाइन यहाँ से थोड़ा रब करके बीच में ही यहाँ पर प्रिंसिपल लिख देता हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए कि सारी लाइंस जो है वो प्रिंसिपल सीरीज बना रही हैं। तो प्रिंसिपल सीरीज हमारी कब बनेगी, प्रिंसिपल सीरीज कब बनेगी हमारी, इसको मैं नेक्स्ट सेक्शन में दोबारा भी लिखूंगा, जब ट्रांजिशन होगी किसी हायर पी लेवल से, किसी हायर पी लेवल से, कौन से लेवल में ट्रांजिशन हो रही है, 3S लेवल में ट्रांजिशन हो रही है, और यहाँ पर n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, n कहाँ से शुरू हो रहा है, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन हो सकती है, n कैन बी 3, 4, 5, 6 है, सो ऑन, मीन जब ट्रांजिशन 3P से 3S में होगी, 4P से 3S में होगी, 5P से 3S में होगी, 6P से 3S में होगी, मीन NP से 3S में होगी, तो आपको प्रिंसिपल सीरीज जो है वो देखने को मिलेगी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रांजिशन की। देखिए स्टूडेंट्स S के लिए जो हमारे पास L की वैल्यू होती है वो 0 होती है, और P के लिए हमारे पास L की वैल्यू 1 होती है, तो 0 - 1 करो कितना होता है, -1 होता है, जो कि सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग अलाउड है, L की वैल्यू -1 से चेंज हो सकती है। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रांजिशन जो होंगी वो यहाँ से यहाँ होगी, 4S से 3P में, 5S से 3P में, 6S से 3P में, एंड सो ऑन, जितने भी हायर लेवल्स होंगे। ये जितने भी हमने ट्रांजिशन शो किए हैं 4S, 5S, 6S से 3P सीरीज भी, ये सारी की सारी शार्प सीरीज को फॉर्म करेंगे, तो मैं यहाँ से रब करके इसके बीच में शार्प लिख देता हूँ, ये सारी शार्प सीरीज बनाएंगी। तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं अगली कौन सी ट्रांजिशन पॉसिबल होंगी। देखिए स्टूडेंट डी के लिए जो एल की वैल्यू होती है वो 2 होती है, और पी के लिए जो एल की वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो अगर आप 2 - 1 करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, +1 मिलेगा, तो डेल्टा इक्वल टू +1 वाली ट्रांजिशन अलाउड है। तो नेक्स्ट ट्रांजिशन जो होंगी वो यहाँ से यहाँ होगी 3D से 3P में, तो आप शार्प इसको आप बाद में लिख देना, यहाँ पर ट्रांजिशन आएंगी, और 4D से 3P में, 5D से 3P में, और 6D से 3P में, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो शार्प, कहीं और लिख सकते हो जहां पे आपको जगह मिलती है, यहाँ पे आप लिख सकते हो शार्प। तो ये वाली ट्रांजिशन जो है वो कौन सी सीरीज को कोरेस्पॉन्ड कर रही है, ये सारी ट्रांजिशन जो है वो मिलके हमें देंगी डिफ्यूज सीरीज, तो यहाँ पर आप डिफ्यूज लिख देंगे, तो शार्प सीरीज आपको कब मिल रही थी, सेकंड पॉइंट हम लिख देते हैं यहाँ पर, शार्प सीरीज आपको कब मिल रही थी, जब ट्रांजिशन हो रही थी कहां से कहां से, 4S, 5S, 6S से, मींस NS से, कहां पर ट्रांजिशन हो रही थी, 3P में ट्रांजिशन हो रही थी, और यहां पर जो N की वैल्यू शुरू हो रही थी वो कहां से शुरू हो रही थी, 4 से शुरू हो रही थी, 4, 5, 6 एंड सो ऑन।
तो आपको शार्प सीरीज मिल रही थी एंड सो ऑन लिख देंगे यहाँ पर। इसी प्रकार से जो आपको डिफ्यूज सीरीज मिली है वो कहाँ से कहाँ के ट्रांजिशन में मिली है, देखिए स्टूडेंट्स 3D 4D 5D से मीन्स ND से आपको ट्रांजिशन करनी पड़ेगी। कौन से लेवल में करनी पड़ेगी, 3P लेवल में करनी पड़ेगी, तब आपको डिफ्यूज सीरीज मिलेगी। और N की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। और यहाँ पर जो N की वैल्यू रहेगी वो 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन रहेगी। तो स्टूडेंट्स लास्ट ट्रांजिशन रह गई हमारी, जो हमारा F के लिए L की वैल्यू होती है वो 3 होती है और D के लिए L की वैल्यू 2 होती है। अगर आप 3-2 करेंगे तो आपको +1 मिलेगा जो कि अलाउड है। तो नेक्स्ट ट्रांजिशन जो होगी वो यहाँ से यहाँ होगी, 4F से 3D में, 5F से और 3D से। तो ये जो आपको सीरीज ऑफ लाइन्स मिलेंगी इन तीनों को मिला के वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर फंडामेंटल सीरीज है, ये फंडामेंटल सीरीज है। और यहाँ पर आप लिख देंगे, ये मैं अभी नेक्स्ट स्टेप में आपको नेक्स्ट सेक्शन दोबारा लिखूंगा सब कुछ इसके वर्डिंग के साथ कि आपको क्या लिखना है। यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, जो आपको फंडामेंटल सीरीज है वो कब मिल रही है, जब ट्रांजिशन हो रही है 4F 5F 6F से मीन्स NF से, कहाँ पर हो रही है, 3D में हो रही है। और N की वैल्यूज यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 4th स्टार्ट हो रही है, 4, 5, 6 एंड सो ऑन जा रही है। तो स्टूडेंट्स ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम है आपको बड़ा ही नीट एंड क्लीन बनाना है एग्जाम में, अगर आपने डायग्राम बिल्कुल सही बनाया तो एग्जामिनर वैसे ही इंप्रेस हो जाएगा आपसे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको डेल्टा एल इक्वल टू +-1 के अकॉर्डिंग ट्रांजिशंस करनी है। तो स्टूडेंट्स डेल्टा एन इक्वल टू इंटीजर का क्या मतलब है, देखिए स्टूडेंट्स मैं आपको एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ। शार्प सीरीज की बात करते हैं, शार्प सीरीज में यहाँ ट्रांजिशन होती है 4S से 3P में, 5S से 3P में, 6S से 3P में। इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, तो 4-3 कितना हो गया, 1 हो गया, यहाँ पर N की वैल्यू 1 से चेंज हो रही है। इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, 5 है, यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, 3 है, तो 5-3 कितना है, 2 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कितना आपके पास, 6 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यहाँ पर कितना है, 3 है, तो 6-3 कितना हो गया, 3 हो गया। तो मीन्स N की वैल्यू जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल से चेंज होनी चाहिए, जैसे 4-3 1 हो रहा था, 5 में से 3 का 2 हो रहा था, 6 में से 3 का 3 हो रहा था, ऐसे ही बाकी जो ट्रांजिशंस हो रही हैं उन सब में जो N की वैल्यू में चेंज आ रहा है वो इंटीजर की फॉर्म में आ रहा है। आप चाहे चेक कर सकते हैं 4-3 1, 5-3 2, 6-3 3 हो जाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार से जब आप डिफ्यूज सीरीज की बात करते हैं 3-3 0, 4-3 आपके पास 1, 5-3 आपके पास 2 हो जाएगा और 6-3 3 हो जाएगा। तो मीन जितनी भी ट्रांजिशंस यहाँ पर हो रही हैं उन सब में जो N की वैल्यू में चेंज आ रहा है वो इंटीजर की फॉर्म में आ रहा है, तो ये सारी ट्रांजिशन जो है वो अलाउड होंगी। एक चीज का आपको ध्यान दिया होगा आपने कि जो ट्रांजिशंस हैं जैसे S से S में ट्रांजिशन नहीं हो सकती, 4S से 3S में नहीं हो सकती, 5S से 3S में नहीं हमने शो करी, 6S से 3S में शो नहीं करी। क्यों, क्योंकि S के लिए जो वापस L की वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो इस लेवल के लिए L की वैल्यू 0 है, इस लेवल के लिए भी L की वैल्यू 0 है, तो 0-0 कितना हो जाएगा, 0। तो डेल्टा L की वैल्यू 0 तो यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि सिलेक्शन रूल में सिर्फ +-1 है। इसी प्रकार से आप P से P में ट्रांजिशन नहीं कर सकते, D से D में ट्रांजिशन नहीं कर सकते, F से F में ट्रांजिशन नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स हायर लेवल से आपको लोअर लेवल में ही ट्रांजिशन करनी है। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब हम इसको एनर्जी देके यहाँ से यहाँ भेजेंगे तो ये 4S से सीधा 3S में नहीं आ सकता, पहले वो 4S से 3P में आएगा, 3P से फिर यहाँ पर 3S में आएगा। तो इस प्रकार से जो है ट्रांजिशंस आपको यहाँ पर शो करनी है। तो स्टूडेंट्स जब हम इसको एक्साइटेशन करते हैं सोडियम एटम के, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो 3s से किसी भी यहाँ पर हाईएस्ट लेवल्स में जा सकता है। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पर गया है तो यहाँ से पहले वो 3p में आएगा, 3p से फिर वो 3s में आएगा। मान लीजिए वो यहाँ पर गया है तो यहाँ से वो सीधा 3s में आ सकता है, और इसी प्रकार से अगर वो यहाँ गया है तो पहले वो 3p में आएगा, 3p से यहाँ पर आएगा। इसी प्रकार से वो अगर F लेवल्स में गया है तो F से पहले 3D में आएगा, 3D से फिर 3p में, फिर 3p से 3s में आएगा। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन को, सारे इलेक्ट्रॉन्स को 3s लेवल में ही आना है। इसलिए जो हमारी प्रिंसिपल सीरीज होती है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है और बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है एज कम्पेयर टू हमारी जितनी बाकी सीरीज हैं। शार्प सीरीज में आपको फाइन लाइंस देखने को मिल रही हैं, डिफ्यूज सीरीज में आपको ब्रॉडर लाइंस देखने को मिल रही हैं, और फंडामेंटल सीरीज जो है वो इंफ्रारेड रीजन में लाई करेगी। तो स्टूडेंट्स इसके बाद आप थ्योरी में क्या लिख के आएंगे ये डायग्राम बनाने के बाद वो हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर सोडियम एटम बनाने के बाद आप थ्योरी में क्या लिख के आएंगे आइए वो देखते हैं। सिंस देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लेवल्स इन अल्कली एटम्स, क्योंकि अभी हमने जो एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ किया था तो वो सबसे ऊपर लाइन के ऊपर हमने SP DF लिखा था,
एस स्टेट में बहुत सारे लेवल्स थे, पी में भी बहुत सारे लेवल्स थे, डी में भी बहुत सारे लेवल्स थे, एफ में बहुत सारे लेवल्स थे, क्योंकि चार प्रकार के लेवल्स होते हैं सोडियम एटम के अंदर, हर एक अल्कली एटम के अंदर चार प्रकार के लेवल्स ही होते हैं। तो आपको चार प्रकार की सीरीज जो है वो देखने को मिल रही थी, प्रिंसिपल, शार्प, डिफ्यूज, फंडामेंटल। हेंस फोर डिफरेंट सीरीज आर ऑब्टेंड इन अल्कली स्पेक्ट्रा। तो अल्कली स्पेक्ट्रा में आपको चार प्रकार की सीरीज देखने को मिलती है। दिस सीरीज अराइज फ्रॉम फॉलोइंग ट्रांजिशन। सोडियम एटम के केस में जो सीरीज आ रही थी वो कैसे आ रही थी, प्रिंसिपल सीरीज आपको कब मिल रही थी, जब ट्रांजिशन हो रही थी 3p 4p 5p से 3s में, मींस np से 3s में ट्रांजिशन हो रही थी, जहां पर n की वैल्यू 3 4 5 है, तब आपको प्रिंसिपल सीरीज की लाइंस मिल रही थी। शार्प सीरीज आपको कब मिल रही थी, मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया था, जब ट्रांजिशन हो रही थी 4s 5s 6s से 3p में ट्रांजिशन हो रही थी, तो उस केस में आपको जो है शार्प सीरीज देखने को मिल रही थी, मींस शार्प सीरीज के लिए ns से 3p में ट्रांजिशन हो रही थी, n इक्वल टू 4 5 6 एंड सो ऑन। और डिफ्यूज सीरीज के लिए जब कब मिल रही थी आपको, जब ट्रांजिशन हो रही थी nd से 3p में, जहां पर n की वैल्यू 3 4 5 है। और फंडामेंटल सीरीज में आपको कब मिल रही थी, जब ट्रांजिशन हो रही थी nf से 3d में, जहां पर n की वैल्यू 4 5 6 एंड सो ऑन है। ये सारा कुछ मैं आपको पीछे समझा चुका हूं। तो स्टूडेंट्स, इन चारों सीरीज के लिए जो हमारा फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा वो आपको याद रखना है। जैसे प्रिंसिपल सीरीज के लिए जो वेव नंबर का फॉर्मूला बनेगा, जिसको हम लिखेंगे न्यू बार होता है वेव नंबर का सिंबल, प्रिंसिपल सीरीज है तो पी लिखेंगे, तो ऊपर आपको रिडबर्ग कांस्टेंट लिखना है, आर अपॉन 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर माइनस 1 आर अपॉन एम प्लस म्यू पी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, यहां पर एस किस वजह से लगा है, क्योंकि हमारे पास जो प्रिंसिपल सीरीज है वहां पर एस में जा रहा था इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर आपको एस लगाना है, और यहां पर पी से स्टार्टिंग हो रही थी तो आपको यहां पर पी लगाना है। इसी प्रकार से बाकी सीरीज के लिए हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सेकंड फॉर्मूला हमारा बनेगा शार्प सीरीज के लिए, तो उसको हम लिखेंगे उसके वेव नंबर को म्यू बार एस से, दैट विल बी इक्वल टू आर अपॉन 1 प्लस म्यू एस, यहां पर म्यू एस था तो यहां पर पी में जा रहा है, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम म्यू पी, यहां वाला पी जो है हम कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, माइनस आर अपॉन एम प्लस, ये सब में रहेगा कॉमन, और आगे क्या लिखना है आपको म्यू पी था, यहां पर आपको क्या लिखना है, एस से स्टार्ट हो रहा है तो यहां पर आपको म्यू एस लिखना है, एस कैपिटल लेटर में, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार से जो तीसरा फॉर्मूला बनेगा हमारे पास डिफ्यूज सीरीज के लिए, यहाँ पर आप स्मॉल डी लिखेंगे, यहाँ पर स्मॉल लेटर्स लिखेंगे, पी फॉर प्रिंसिपल, एस फॉर शार्प, डी फॉर डिफ्यूज, आर अपॉन 1 प्लस, यहाँ पर म्यू एस की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर पी में जा रहा है तो यहाँ पर आपको म्यू पी लिखना है, कैपिटल लेटर में पी लिखना है, माइनस आर अपॉन एम प्लस, ये फॉर्म तो सब में कॉमन है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, जहां से शुरू हो रहा है डी से शुरू हो रहा है तो म्यू डी लिखना है आपको, कैपिटल डी। उसके बाद आपको फोर्थ में लिखना है फंडामेंटल सीरीज के लिए वेव नंबर म्यू बार एफ, दैट विल बी इक्वल टू आर 1 प्लस एफ 1 प्लस, यहां पर डी में जा रहा है तो यहां पर आपको म्यू डी लिखना है कैपिटल लेटर में डी, माइनस आर अपॉन एम प्लस, कहां से शुरू हो रहा है, एफ से शुरू हो रहा है तो यहां पर आपको म्यू एफ लिखना है कैपिटल लेटर में। तो स्टूडेंट्स, चारों सीरीज के लिए हमने उनके वेव नंबर के फॉर्मूले लिख दिए हैं, यहाँ पर म्यू एस म्यू पी म्यू डी म्यू एफ क्या है, तो आप एक लाइन और लिखेंगे वेयर म्यू एस म्यू पी म्यू डी म्यू एफ आर कॉल्ड रिडबर्ग करेक्शंस। ये सारे फॉर्मूले रिडबर्ग ने बनाए थे, या पॉजिटिव याद रखने हैं, याद रखने का मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे रखना है, आर कॉल्ड रिडबर्ग करेक्शंस। तो याद करने का तरीका क्या बताया मैंने आपको, अगर प्रिंसिपल सीरीज है तो प्रिंसिपल सीरीज में यहाँ पर एस है तो यहाँ पर हमने एस लिखना है, यहाँ पी है तो यहाँ पी लिखना है, शार्प सीरीज में यहाँ पी है तो यहाँ पी लिखना है पहले वाले म्यू के साथ, यहाँ पर एस है तो यहाँ पर एस लिखना है। इसी प्रकार से डिफ्यूज सीरीज के लिए यहाँ पी है तो यहाँ पहले पी लिखना है, फिर डी है यहाँ पर तो यहाँ पर डी लिखना है, फंडामेंटल सीरीज है यहाँ पर डी है तो पहले डी लिखना है, फिर यहाँ पर एफ है तो यहाँ पर आपको एफ लिखना है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स, इतना लिखने के बाद आप थ्योरी में और क्या ऐड करके आएंगे इस टॉपिक की, वो हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है 6 या 8 मार्क्स की कैटेगरी में ही आएगा, तो आपको और भी थ्योरी में लिख के आना पड़ेगा, तो आप और थ्योरी में क्या ऐड करेंगे। द टोटल एनर्जी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सोडियम एटम इज गिवन बाय, जो टोटल एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की सोडियम एटम में, वो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है nth लेवल में हाइड्रोजन एटम में उससे बिल्कुल डिफरेंट होती है। हाइड्रोजन एटम में nth लेवल में कितनी एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, En इज इक्वल टू -13.6 बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पर जो एक्सप्रेशन रहेगा सोडियम एटम में केस में टोटल एनर्जी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, वो होगा En इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर म्यू जेड एन ई का होल स्क्वायर ई स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये आपको एक्सप्रेशन एज इट इज याद रखना है। यहां पर
ZNE क्या है, यहाँ पर ZNE है effective nuclear charge for NH shell। वैसे तो किसी भी nucleus के अंदर जो effective nuclear charge होता है वो Z ही होता है, atomic number multiply charge on each proton से हम निकाल सकते हैं effective nuclear charge किसी भी nucleus के अंदर। तो पर यहाँ पर NH shell की बात हो रही है तो इसलिए हमने Z के नीचे N लगा दिया यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के अराउंड पाए जाने की प्रॉबिलिटी होती है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस इज गिवन बाय साइज साइज स्टार प्रोपोर्शनल टू आर की पावर माइनस टू एल। हर एक इलेक्ट्रॉन मूविंग इलेक्ट्रॉन के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है और उस वेव को हम कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेव फंक्शन साई। क्वांटम मैकेनिक्स में हम ये चीजें बहुत पढ़ते हैं। तो साई का अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लें तो साई स्टार होता है, अगर हम साई को साई स्टार से मल्टीप्लाई करें तो हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाती है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की नियर द न्यूक्लियस और वो प्रोपोर्शनल टू होती है आर की पावर माइनस टू एल के। आर यहाँ पर रेडियस है ऑर्बिट की, एल यहाँ पर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है इलेक्ट्रॉन का। तो स्टूडेंट्स सबसे कम वैल्यू एल की किसके लिए होती है, एस शेल के लिए होती है। एस के लिए एल की वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है। तो अगर आप एल की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो साई इंटू साई स्टार की वैल्यू वन आ जाएगी यहाँ पर, क्योंकि ये हमारे पास वन बन जाएगा, आर की पावर जीरो वन हो जाएगा। इसका मतलब जो है कि दो इलेक्ट्रॉन एस शेल में प्रेजेंट होंगे वो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास होंगे, क्योंकि न्यूक्लियस से ज्यादा उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा इलेक्ट्रॉन्स का। इसलिए जो एस शेल्स के लिए जो एनर्जी होती है वो सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है और पीडीएफ लेवल्स के लिए जो एनर्जी है वो कम होती चली जाती है। जैसे हमने एनर्जी लेवल डायग्राम में जो हमने ड्रॉ किया सोडियम एटम का, तो उसमें हमने देखा है तो एस शेल्स थी वो नीचे की तरफ थी, 3s सबसे नीचे था, फिर आपका 4s, 5s वो नीचे थे और PDF जो है वो आपके ऊपर की तरफ थे और उनके लिए जो एनर्जी थी वो कम से कम नेगेटिव होती चली जाती थी। तो अब यही आप लिखेंगे, दिस प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम फॉर एस इलेक्ट्रॉन एल इक्वल टू जीरो विच स्पेंड्स मोस्ट ऑफ द टाइम नियर द न्यूक्लियस एंड हेंस एनर्जी फॉर एस लेवल्स इज मोस्ट नेगेटिव एंड इट बिकम्स लेस एंड लेस नेगेटिव फॉर PDF लेवल्स। अगर आप यहाँ पर एल की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे जो कि एस इलेक्ट्रॉन के लिए होती है, एस इलेक्ट्रॉन वो होता है जो एस शेल में होता है, तो आपको साई इंटू साई स्टार की वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी। मीन्स इलेक्ट्रॉन जो एस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी अराउंड द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, न्यूक्लियस के पास ही होते हैं वो। इसलिए जो एनर्जी है एस लेवल्स की सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है और नेगेटिव एनर्जी का मतलब यह है कि एस इलेक्ट्रॉन जो है वो टाइटली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के साथ और PDF लेवल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो लेस टाइटली बाउंड होंगे, इसलिए जो उनकी एनर्जी होगी वो कम से कम नेगेटिव होती चली जाएगी। एस के बाद पी की कम नेगेटिव होगी, डी की और कम नेगेटिव होगी, एफ की और कम नेगेटिव होगी, क्योंकि लेवल्स जो है वो दूर चले जाते हैं न्यूक्लियस से। द सिलेक्शन रूल फॉर ट्रांजिशन इन अल्कली एटम स्पेक्ट्रा डेल्टा इक्वल टू एन इंटीजर एंड डेल्टा एल इक्वल टू प्लस माइनस वन। जो सिलेक्शन रूल मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको ट्रांजिशन करके दिखाई थी, तो दो सिलेक्शन रूल फॉलो हो रहे थे, डेल्टा एन इक्वल टू इंटीजर एंड डेल्टा एल इक्वल टू प्लस माइनस वन, वो आपको यहाँ लिखने हैं डायग्राम के साथ। आपको मैंने समझाने के लिए लिखे थे, डायग्राम जब आप बनाएंगे तो डायग्राम के साथ आप कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ आप हेडिंग बनाएंगे एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर सोडियम एटम, ये चीजें आप यहां पर थ्योरी में मेंशन करेंगे। स्टूडेंट्स इतना लिखने के बाद थोड़ा सा और बचा है इसकी थ्योरी में, वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं कि और आप थ्योरी में क्या लिख के आएंगे। देखिए स्टूडेंट्स किसी भी सोडियम सोर्स के अंदर बहुत सारे हमारे पास एटम्स होते हैं, इसलिए जितनी भी हमारे पास एक्साइटेड स्टेट्स होती हैं, चाहे 4s है, 4p है, 6f है, 5f है, 3d है, 4d है, 5d है, सारी एक्साइटेड स्टेट्स में जो है इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से किसी भी स्टेट में जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइएस्ट स्टेट में ज्यादा समय तक नहीं रहता, क्योंकि वहां पर उनका लाइफ टाइम जो है बहुत कम रहता है, 10^-8 सेकंड रहता है, उसके बाद उनको अल्टीमेटली नीचे ही आना होता है और नीचे आते हैं, नीचे ट्रांजिशंस करते हैं लोअर लेवल्स में अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन रूल। जो हमने सिलेक्शन रूल्स देखे थे डेल्टा एल इक्वल टू प्लस माइनस वन एंड डेल्टा एन इक्वल टू इंटीजर, तो आपको सारे जो एक्साइटेड स्टेट्स हैं वहां से इलेक्ट्रॉन जो है एकदम एक साथ ही नीचे आते हैं और आपको चारों सीरीज जो है वो एक साथ साइमल्टेनियसली देखने को मिलती हैं। तो ये देखते हैं स्टूडेंट्स आगे क्या लिखेंगे आप। अ सोडियम सोर्स कंटेन्स मेनी एटम्स सो दैट ऑल पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट्स आर अवेलेबल फॉर ट्रांजिशंस व्हिच टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल्स, क्योंकि सोडियम सोर्स के अंदर एक एटम तो होता नहीं, बहुत सारे एटम्स होते हैं, तो जितनी भी एक्साइटेड स्टेट्स हमने ड्रॉ की थी सोडियम एटम के एनर्जी लेवल डायग्राम में, वहां से ट्रांजिशन जो है वो एक साथ होंगी नीचे वाली ग्राउंड स्टेट्स के अंदर, विच टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल और सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग ट्रांजिशन होंगी, हैंस ऑल द फोर सीरीज आर साइमल्टेनियसली एमिटेड इन द स्पेक्ट्रम। तो आपको प्रिंसिपल सीरीज, डिफ्यूज, शार्प, फंडामेंटल, ये चारों सीरीज जो है वो एक साथ दिखाई देती हैं
एमिशन स्पेक्ट्रम जो होता है, जब इलेक्ट्रॉन जो है हाईएस्ट स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो आपको एमिशन स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। आउट ऑफ दीज फोर सीरीज आर लाइन्स ऑफ प्रिंसिपल सीरीज आर मोस्ट ब्राइट एंड इंटेंस एज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स अल्टीमेटली रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट दैट इज 3x रे। जो चार सीरीज है उनमें से प्रिंसिपल सीरीज की लाइन सबसे ज्यादा ब्राइट और इंटेंस होती है, मैंने आपको बताया भी था। जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अल्टीमेटली फाइनली 3s में ही आना होता है। पहले वो हाईएस्ट स्टेट से लोअर स्टेट में आते हैं, फिर लोअर स्टेट से सबसे नीचे आते हैं 3s स्टेट में। तो वहां पर जो आपको लाइंस देखने को मिलती हैं वो सबसे ज्यादा इंटेंस और ब्राइट होती हैं। तो स्टूडेंट्स, सोडियम एटम के एमिशन स्पेक्ट्रम में आपको चारों लाइंस, चारों सीरीज की लाइंस दिखाई देती हैं, बट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होगा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो हमारा क्या होगा, जो हमारा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है 3s स्टेट में, वो बाहर से फोटोन से एनर्जी लेके हाईएस्ट स्टेट में जाएगा। तो स्टूडेंट्स, वो कौन सी हाईएस्ट स्टेट में जाएगा? हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो 3s स्टेट में प्रेजेंट है। जब वो हायर लेवल में जाएगा तो उसको एक सिलेक्शन रूल फॉलो करना पड़ेगा, वही सिलेक्शन रूल होगा डेल्टा एल इक्वल टू प्लस माइनस वन। तो वो 3s से कौन से लेवल में जा सकता है कि सिलेक्शन रूल में जो हमारा फॉलो हो? तो s से वो कौन से लेवल में जाएगा, क्या वो d लेवल में जाएगा, क्या वो f में जाएगा या p में जाएगा, आइए देखते हैं। तो s के लिए जो हमारे l की वैल्यू होती है वो 0 होती है, p के लिए 1 होती है। तो 0 माइनस 1 कितना हो गया, माइनस 1 हो गया। और हमारे लिए जो s की वैल्यू 0 होती है, d की वैल्यू होती है हमारे पास, l की जो होती है वो 1, वो होती है 2। तो 2 0 माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, या 2 माइनस 0 करो प्लस 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारे पास s के लिए 0 और f के लिए कितनी होती है, 3 होती है। तो आप इसको माइनस करेंगे तो डेल्टा एल में जो चेंज आएगा वो प्लस माइनस 3 का आएगा। तो स्टूडेंट्स, ना तो ये वाली ट्रांजिशन पॉसिबल है, ना ये वाली ट्रांजिशन पॉसिबल है, ना इलेक्ट्रॉन 3s से d में जा सकता है, ना 3s से f में जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन रूल डेल्टा एल इक्वल टू प्लस माइनस 1 फॉलो नहीं हो रहा। सिर्फ इसी वाली ट्रांजिशन में सिलेक्शन रूल प्लस माइनस 1 जो है फॉलो होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो 3s से np स्टेट में जाएगा, तो यहाँ पर जो n की वैल्यू होगी वो 3, 4, 5 एंड सो ऑन होगी। तो आप यही लाइन लिखेंगे, ये सिर्फ आपको मैंने समझाने के लिए बताया था। इलेक्ट्रॉन s ग्राउंड स्टेट से सिर्फ p में जा सकता है, p हायर स्टेट में जा सकता है, ना कि d और f में। In the absorption spectrum of sodium atom, electrons are excited from ground state 3s to the higher state in accordance with the selection rule delta L equal to plus minus 1. Absorption spectrum कब मिलता है? जब sodium atom की ground state में बैठा हुआ electron, जो कि ground state कौन सी थी? 3s state थी, क्योंकि sodium की configuration में last shell जो है वो 3s होती है, उसमें एक valence electron होता है। 3s से वो higher state में जाएगा बाहर से photon absorb करके, but उसको ये selection rule जो है वो follow करना पड़ेगा delta L equal to plus minus 1। और ये selection rule सिर्फ कौन सी transition में possible होगा? जब वो s से p में जाएगा। जब s से d में जाएगा तब भी ये फॉलो नहीं हो रहा था, जब s से f में जाता तब भी ये फॉलो नहीं हो रहा था। तो सिर्फ एक ही अलाउड ट्रांजिशन होगी, वो होगी 3s से हायर p स्टेट में। ओनली पॉसिबल अलाउड ट्रांजिशंस आर 3s टू np। s के लिए l की वैल्यू 0, p के लिए 1, तो 1 माइनस 0 या 0 माइनस 1 करेंगे तो प्लस माइनस 1 आपको मिलेगा। दिस ट्रांजिशन रिजल्ट इन प्रिंसिपल सीरीज। और ये ट्रांजिशन किसके लिए थी? जब हमने चारों सीरीज के लिए ट्रांजिशन लिखी थी, np से जब वो 3s में आ रहा था तो प्रिंसिपल सीरीज मिल रही थी, तो वो एमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर थी। जब 3s से np में जाएगा तो वो आपको एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल सीरीज देगा। हैंस ओनली प्रिंसिपल सीरीज अपीयर्स इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो आपको सिर्फ प्रिंसिपल सीरीज ही एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में देखने को मिलती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने सिर्फ s से हायर में जाना है, तो किसी और स्टेट से नहीं जाना। वेयर ऑल द फोर सीरीज अपीयर इन एमिशन स्पेक्ट्रा, जो कि एमिशन स्पेक्ट्रम में आपको चारों सीरीज मिलेंगी, सिर्फ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में आपको सिर्फ प्रिंसिपल सीरीज देखने को मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको एग्जाम में लिखने लिख के आना है, चाहे क्वेश्चन 6 मार्क्स का है, चाहे 8 मार्क्स का है, इतना अनफ रहेगा आपके लिए। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो समझ आया होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।